मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ इंडियन ऑडियंस पे और क्रिटिक्स पे, जिन्होंने बेताल, जो कि हमारी इंडिया की फर्स्ट एवर जॉम्बी सीरीज थी, उसको नापसंद किया था, उसको क्रिटिसाइज किया था। तो अगर ऐसा है तो भाई ये क्या है? आर्मी ऑफ द डेड 2021, जिसे लिखा है जैक स्नाइडर ने, जिसे प्रोड्यूस किया जैक स्नाइडर ने, जिसे डायरेक्ट किया जैक स्नाइडर ने। और मैं आपको बता दूं कि जैक स्नाइडर उन डायरेक्टर्स में से एक है जहाँ की हमारी इंडियन ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा फैंस है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और उनकी मूवीज़ का हम लोग बेसब्री से वेट करते हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज हुई है। ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 21 मिनट की है। तो चलिए बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है लास वेगास पे, जहाँ पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक जैपनीज बिजनेसमैन एक मर्सिनरी स्कॉट वार्ड, यानी कि डेव बटिस्टा के कैरेक्टर को कहता है कि उस लास वेगास में एक कैसिनो है जहाँ पर 200 मिलियन है, तो तुमको वहां पर जाना है और वो पैसे को यहाँ पर लाना है, और उसमें से मैं तुमको $50 मिलियन दूंगा। इतने पैसे मिलेंगे तो कोई भी चला जाएगा। तो अब इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, इस मूवी की एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो तो इसमें बताए गए जॉम्बीज। आपने बहुत सारी जॉम्बीज से रिलेटेड सीरीज और मूवीज देखी होगी, लेकिन जिस तरह से जॉम्बीज यहाँ पर दिखे, जितने फास्ट, जितने स्मार्ट, जितने ऑर्गेनाइज, वो आपने आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बस एक ही तरह के ज़ॉम्बी देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको वो चूतिया वाले ज़ॉम्बी भी देखने को मिले, जो जो सिर्फ बस बिना मतलब के अटैक करते थे, वो इतने डम होते थे कि लिटरली ज़ॉम्बी से डरे या उनको देखकर हंसे, ये हमको आज तक मूवीज़ में समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवी में आपको अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज दिखाए, जो कि यहाँ पर जैक स्नाइडर की तारीफ तो बनती है बॉस। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी बैक स्टोरी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि डेव बटिस्टा के कैरेक्टर के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, लेकिन इतनी भी नहीं बताई जिससे हम लोग उनसे एक इमोशनल टच बना पाए। और यही एक रीज़न है कि इमोशनल सीन्स होने के बावजूद भी मैं स्कॉट वार्ड के कैरेक्टर से वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रहा था। और उसके अलावा जो अल्फा जॉम्बी, यानी कि जो मेन जॉम्बी है, उसकी भी कुछ खास बैक स्टोरी नहीं बताई कि यार कैसे यहाँ पर क्वीन को सेलेक्ट किया, कैसे उसने एक अपना किंगडम क्रिएट किया, फिर क्या कुछ चीज़ें हुई। मतलब वो एक चीज़ थोड़ी सी बता दी जाती ना और भी डिटेल में, तो एक अलग मज़ा आ जाता, जो कि नहीं था। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कुछ अलग करने की कोशिश की। अगर आपने जस्टिस लीग स्नाइडर का वर्जन देखा है, जिसमें बैटमैन और जोकर का जो एक पोर्शन था, तो उसको जिस तरह से उन्होंने शूट किया था ना, बिल्कुल उसी अंदाज में इन्होंने ये मूवी को पूरी तरह से शूट किया है। और लिटरली बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर जो जो फ्रंट पर खड़े हैं उनको क्लियर बताया जा रहा है, और जो बैकग्राउंड में खड़े हुए कैरेक्टर्स हैं उनको ब्लर कर दे रहे हैं। और लिटरली ये हर एक सीन्स में आपको फील होगा। तो यहाँ पर ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, कुछ लोगों को इस तरह की सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगेगी और कुछ लोगों को ओके स्टेप लगेगी, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और वो लोग को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको से लगेगा हाँ हमने कुछ अलग देखा है। तो अब ये खुद आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, CGI की बात करो तो यहाँ पर मज़ा आ गया भाई, जिस तरह से लास वेगास को क्रिएट किया। और जो टाइगर था, वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइटेड सीन्स अगर इस मूवी का कुछ होगा तो वो था टाइगर का अटैक, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मूवी का BGM अच्छा है, स्नाइडर हमेशा सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं और उनका जो सेलेक्शन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और यहाँ पर भी सॉन्ग है बहुत अच्छा लगता है। और जो टाइटल में यूज़ किया वहाँ पर जो चीज़ें होती है यार, वो लिटरली आपको स्कैरी भी करेगी और आपको हंसाएगी भी। और मूवी का BGM ओवरऑल अच्छा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने यहाँ पर अपना हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन यहाँ पर डेव बटिस्टा ने, जो कि मैं उनको एक अच्छा एक्टर नहीं मानता था, हालांकि वो बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज़ में नज़र आ चुके, लेकिन मैक्सिमम उनकी मूवीज़ या तो फ्लॉप हुई है या तो उसमें उन्होंने बहुत ही डम एक्टिंग की है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो इमोशनल साइड बताया वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग लगता है, काफ़ी हद तक लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन मैं अगर वायलेंस की बात करूँ तो यार ये R-rated मूवी है, यहाँ पर आपको भर भर के ब्लड शेड देखने को मिलेंगे, भर भर के आपको ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आपको वॉमिट निकल जाएगी। और लिटरली अगर आप लोग नॉन वेज पसंद करते हो तो आपका मन करेगा भेजा खाने का। क्या छोटे छोटे पीस थे यार वो जो भेजे करते हो, जिसे देखकर मतलब ऐसा लगा कि अब भी भेजा मसाला ऑर्डर करो और खाओ यार, मज़ा आ गया। फिलहाल जितने भी एक्शन सीन्स थे उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, बहुत ही खतरनाक वे में डिज़ाइन किया, जो कि देखकर आपको इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन हाईलाइट है पूरी मूवी में टाइगर वाला अटैक। टाइगर बस एक ही बंदे को मारता है, लेकिन जिस तरह से मारता है ना, उसका वेट आप लोग करते कि भाई टाइगर कुछ तो करे, और जब वो करता है तो वो उस मूवी का हाईलाइट बन जाता है, मानो या ना मानो भाई। अब बात करें इस मूवी की नेगेटिविटी की, तो सबसे पहली पॉइंट है इसकी स्टोरी।
स्टोरी में कुछ यूनिकनेस नहीं लगा, ऐसा लगा कि यार बहुत सारी मूवीज़ को मिला के यहाँ पर एक मूवी बना दी गई है स्टोरी वाइज। देखो आपने इससे पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी पेनिनसुला, जो कि ट्रेन टू बुसान का सीक्वल बताया जा रहा था। तो पेनिनसुला मूवी की कहानी भी ऑलमोस्ट इसी तरह की थी कि भाई उस सिटी में जाके कुछ लोग पैसा लेकर आने वाले, तो कहानी और यहाँ की कहानी में कुछ ज़्यादा नयापन तो नहीं था ना, तो कहानी मुझे थोड़ी सी वीक लगी। और उसके अलावा मूवी की जो एग्जीक्यूशन है 2 घंटे 21 मिनट वर्थ वॉच नहीं है, क्योंकि इसी वजह से मूवी में जितने भी वो जो फादर डॉटर के बीच के जो सीन्स थे या जितने भी वो स्ट्रेटेजी वाले सीन्स थे उसको अच्छा खासा लंबा खींच दिया, जहाँ पर ऑडियंस लिटरली बोर हो जाती है। जब ऑडियंस कोई जॉम्बी वाली मूवी देखना चाह रही तो उसमें वो लोग जॉम्बी देखना चाह रहे हैं, ना कि ड्रामेटिक सीन, ना कि कुछ स्ट्रेटेजी वाले सीन, ना कि ऐसे डायलॉग बाजी वाले सीन जो कि अननेसेसरी कि आपको फील हो रहे हैं। और डायलॉग्स मैंने इसको इंग्लिश में देखा है ज़्यादा पोर्शन, तो इसलिए मुझे क्रिंज वर्दी लगे डायलॉग्स में भी, कुछ ऐसे खास मज़ा नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने इसको हिंदी में चेकआउट नहीं किया, मैंने इसको हिंदी में भी देखा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है, देखने लायक है। स्नाइडर की वन ऑफ दी मास्टरपीस या बेस्ट मूवीज़ में से एक मुझे नहीं लगी। यस ये वन टाइम वॉच मूवी है, लेकिन उसके अलावा आप लोग इसको दूसरी बार देखने की शायद ही ट्राई करोगे। और ये मूवी की एंड में आपको एक चीज़ बता दूँ कि यस हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर स्नाइडर ने इस मूवी को ख़त्म किया है उससे आप लोग डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब ये वायरस और फैलेगा और फिर हमें पार्ट टू भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ नए एक्टर्स के साथ। इस मूवी में उमा कुरैशी क्यों है, किस वजह से है, वो कुछ भी सेंस नहीं बनता, लेकिन यस उसने अपना हिस्से का रोल बहुत ही अच्छी तरह से किया और बहुत ही कम स्क्रीन टाइमिंग है, इसलिए उस पर मैं पूरे वीडियो पे कुछ भी कमेंट नहीं किया। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, यहाँ पर आपको न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको भर भर के वायलेंस देखने को मिलेंगे, और मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।